हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है मोनेटाइजेशन को लेके, और ये जो नया अपडेट है डायरेक्ट उन चैनल पे इफेक्ट डालेगा जो कि गेमिंग चैनल है और पहले से मोनेटाइज है। हालांकि जो चैनल गेमिंग नहीं है उन पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आप अपने आप वो समझ जाओगे। एक्चुअली में ये जो नया अपडेट है वो गेमिंग चैनल के लिए है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो गेमिंग चैनल रन करते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं, और लाइव स्ट्रीम के दौरान गेम खेलते खेलते समय अभद्र भाषा का यूज करते हैं, यानी गाली गलौज वो अपनी वीडियो में यूज करते हैं। बस इसी को लेके ये नया अपडेट है। अब अपडेट क्या है वो आप सुन लीजिएगा। देखिए, अगर आपका गेमिंग चैनल है, अगर आप लाइव गेम खेलते हैं और लाइव गेम खेलते समय आप अपनी वीडियो में गाली गलौज करते हो अपने साथियों के साथ, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, एक दूसरे जब साथी खेलते हैं तो भैया गाली गलौज होना लाजमी है, उसके बगैर मजा भी नहीं आता। लेकिन अब यूट्यूब है ये आपकी चलने नहीं देगा। अगर आप अपने गेम के दौरान अपनी वीडियो में गाली गलौज करते हो या फिर अभद्र भाषा का यूज करते हो, तो अब से आगे आपका जो वीडियो वो मोनेटाइज नहीं होगा, उसका जो मोनेटाइज वो डिसेबल हो जाएगा, और हो सकता है कि येलो जो डॉलर है उसका सिंबल भी आपकी वीडियो पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है यदि आपने अपनी वीडियो में गाली गलौज की है, कोई भी वर्ड का अगर आपने यूज किया, तो भैया उसका मोनेटाइज है वो डिसेबल हो जाएगा, वो वीडियो किसी काम की नहीं होगी, उससे आप पैसा वो नहीं कमा सकते। इसके अलावा ये दो तीन बातें और कही हैं इस नए अपडेट के अनुसार, वो आप सुन लीजिएगा। देखिए, एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी वीडियो में गाली गलौज करो ऐसे ही जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होंगे। अगर आपने अपनी वीडियो में एक वर्ड भी कहीं पर भी यूज कर लिया, अगर यूट्यूब के पकड़ में आ गया, तो भैया वो उस वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान गेम खेलते समय यदि कोई सेक्सुअल कंटेंट को यूज करते हो, आप देख रहे हो कि जो प्लेयर होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी के कपड़े भी उतार देते हैं, कई गेम ऐसे होते हैं, या हमारे जो प्लेयर गेम खेलने वाले होते हैं वो इस प्रकार के ही बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं वहां पर केवल आगे की ये सिर्फ पहनी हुई होती है और बाकी जो अपने शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो उतार देते हैं, तो अगर इस प्रकार के प्लेयर भी अगर आप अपनी वीडियो में शो करते हो, तो भैया ऐसे भी जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो हमारे बॉडी पार्ट के कुछ ऐसे जो पार्ट होते हैं जो कि सीक्रेटली होते हैं, अगर उनको आप हाईलाइट करते हो, जूम करके अगर आप दिखाते हो, तो भैया ऐसे भी वीडियो है वो आगे से मोनेटाइज नहीं होंगे। इसके अलावा इस नए अपडेट के अनुसार मान लीजिए आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलते समय किसी की मौत हो गई और उस बॉडी को आप जूम करके दिखाते हो, ब्लड बह गया, ब्लड को अगर आप दिखा रहे हो, तो भैया इस प्रकार की भी वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगी। अगर ये तो ऐसा होता ही है कि जब अपन गेम खेलते हैं तो सामने वाला जो एनिमी है या दुश्मन है वो मारा जाता है, उसको अपन देखते हैं, जूम करके भी देखते हैं, आप दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जूम करते हो तो भैया उसको ब्लर आप कीजिएगा, कहीं ब्लड हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उसको आप ब्लर कीजिएगा, उसको थोड़ा सा हाइड कीजिएगा, थोड़ा सा छुपाएगा, ताकि लोग हैं उसे देख नहीं सके। अगर आप अपनी वीडियो में सेक्सुअल कंटेंट को यूज करते हो, इसके अलावा गाली गलौज करते हो, इसके अलावा बॉडी पार्ट को अगर आप दिखाते हो, विशेष बॉडी पार्ट को जो अपन गुप्त रखते हैं, आप शायद समझ रहे हो इस बात को, गुप्त रखते हैं ऐसे बॉडी पार्ट को अगर आप दिखा रहे हो, इसके अलावा गेम के दौरान किसी की मौत हो गई, अगर उस बॉडी को अगर आप जूम करके दिखा रहे हो, तो अगर आगे से ऐसा आप मत करना, अगर आप ऐसा करोगे तो भैया आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। और वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा तो इसका मतलब यार पैसे की इनकम है वो नहीं होगी, पैसे की इनकम नहीं होगी तो भैया ऐसी वीडियो का कोई मतलब नहीं हो जाता, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, यूट्यूब है थोड़ा सा सख्त हो गया है, अगर आपका गेमिंग चैनल है तो भैया इस चीज को आप विशेष फोकस करें। पहले आपने क्या कर लिया वो एक अलग बात थी, अब से आगे आप अपनी वीडियो में गाली गलौज वो नहीं कर सकते, लोग समझदार हो गए कि आप क्या कहना चाहते हो। जरूरी नहीं आप डायरेक्टली बोलो, ये जरूरी नहीं, लोग इशारे से हैं वो समझ जाते हैं। तो बस अपडेट तो यही था मोनेटाइजेशन को लेके, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लेके या इस नए अपडेट को लेकर यदि आपके कोई और सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वो दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।